हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को। वी हैव चूजन दिस कंपनी बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी और काफी बड़ी कंपनी है और काफी मेरे व्यूअर्स अक्सर इस कंपनी के बारे में कहते हैं कि विवेक, आपके ग्रेट कंपनीज की लिस्ट में लार्सन एंड टूब्रो क्यों नहीं है। तो मैं आपको बहुत सारे इस तरह रीजंस बताने वाला हूं कि ये मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है। वैसे मेरी लिस्ट में रिलायंस भी अभी तक नहीं है, क्योंकि रिलायंस की बैलेंस शीट में अभी तक जीरो डेट या नियर टू जीरो डेट नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन कर लेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स फिर और व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि विवेक, वैसे तो वो नेट डेट कंपनी हो चुकी है, लेकिन हो चुकी है, बैलेंस शीट में अभी तक मुझे वो बोरोइंग लेस होती हुई नजर नहीं आई। जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम उसको ऐड कर लेंगे। सेम अगर हम L&T की बात करें तो हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले एक बार बिजनेस देखेंगे, किस किस बिजनेस में ये कंपनी डील करती है और क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। फिर हम एक बार बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिफरेंट रेशोज की तरफ जाएंगे। और सबसे लास्ट में हम एक बार टेक्निकल्स देखेंगे कि L&T का चार्ट क्या कहता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दिस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियोज को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना यार। इससे मुझे भी थोड़ा सा काम करके और मेहनत करके वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन लगा रहता है। तो अब हम बात करते हैं बिजनेसेस की कि L&T कौन कौन से बिजनेसेस में है। तो अगर हम वेबसाइट पर चले गए, लार्सन एंड टूब्रो की वेबसाइट पर सीधे सीधे चले गए, सबसे बेटर है। कहीं और से डेटा पिक करने के बदले सीधे वेबसाइट से पिक करते हैं। तो ये लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग में हैं और पावर प्लांट्स लगाते हैं और ये हैवी मटेरियल हैंडलिंग में हैं, फिर हैवी इंजीनियरिंग में हैं और डिफेंस में हैं, शिप बिल्डिंग में हैं, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरीज में हैं, L&T वॉल्व्स में हैं और LTI जो कंपनी है ये उसमें शेयर होल्डर हैं, मेन इनकी सब्सिडरी कंपनी है। LTTS भी इन्हीं की है, L&T IDPL इनका एक प्रोजेक्ट है और L&T मेट्रो रेल इन्हीं की है और देन L&T फाइनेंस भी इनकी कंपनी है और ये रियल इस्टेट में भी हैं। L&T नेक्स्ट मे बी दिस इज समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इन्होंने अपने आप को दिखाया हुआ है और माइंडट्री में भी इनकी हिस्सेदारी है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये लोग कंस्ट्रक्शन में, हैवी इंजीनियरिंग में और डिफेंस में, शिप बिल्डिंग में और कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी में, फिर उसके बाद में LTI, LTTS और अगर माइंडट्री की बात करें तो IT हो गया और साथ में L&T फाइनेंस मीन्स NBFC में। तो ये इतने सारे जगह पर डील करती है कंपनी। तो डील तो बहुत जगह करती है। अब बात आती है तो बिजनेस में प्रोस्पेक्ट क्या है। देखो, जहाँ तक IT कंपनीज में हिस्सेदारी की बात है तो ये एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स हैं, समझ में आता है। L&T फाइनेंस भी समझ में आता है कि ठीक है, NBFC बिजनेस है। जो प्रोस एंड कौन से हैं NBFC बिजनेस के वो एक अलग बात है, लेकिन समझ में आता है। अब यहाँ पर रियलिटी में और L&T मेट्रो रेल और बात करें तो यहाँ पर शिप बिल्डिंग, माइनिंग इक्विपमेंट्स एंड डिफेंस और पावर एंड कंस्ट्रक्शन, जितने भर भी ये सारे अदर बिजनेसेस हैं, इनमें मोस्टली जो इनके क्लाइंट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, वो यही इस कंपनी की मेन प्रॉब्लम है कि जितने भी मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो हैवी इंजीनियरिंग के हों, चाहे पावर प्लांट लगाने के हों, चाहे शिप बिल्डिंग के हों और चाहे वो बाकी हैवी इंजीनियरिंग के हों या फिर ये कंस्ट्रक्शन के हों, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब गवर्नमेंट से आने का, अब ठीक है, बिजनेस तो बिजनेस होता है, कहीं से भी आए, लेकिन गवर्नमेंट से आने का नुकसान क्या है। तो नुकसान वो सीधा सीधा यहाँ पर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो शायद मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो सीधे हम बैलेंस शीट पर चलते हैं और बैलेंस शीट में आपको मैं इसका सीधा इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि इसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहले तो एक बार इसके जो हम मेन रेशोज देखते हैं वहाँ देख लेते हैं।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.64%। मैं जनरली 30% से ऊपर की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को प्रेफर करता हूँ, यहाँ पर वो 30% से बहुत 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 ज़्यादा नीचे है। सेकंड चीज़ मैं कंसीडर करता हूँ कि डेट ऑन एक्विटी रेशियो हमारा 20-30% तक तो समझ में आता है, और 20-30% भी अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है, तो समझ में आता है, अदरवाइज कंपनी नियर टू जीरो डेट होनी चाहिए। यहाँ तो 200% इसके ऊपर डेट है, यानी कि अगर 100 रुपये प्रमोटर्स के या शेयर होल्डर्स के लगे हुए हैं तो 200 रुपये बैंक से उधारी के लिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी एक हेल्दी बैलेंस शीट का साइन है ही नहीं। और अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो अच्छी कंपनीज में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग या तो प्रमोटर्स की होती है, और अगर वो बिजनेस ऐसा है कि जिसमें सेबी की गाइडलाइंस ही ऐसी हैं या फिर गवर्नमेंट की आरबीआई की गाइडलाइंस ऐसी हैं जिसमें 50% हिस्सेदारी किसी एक की हो ही नहीं सकती, लाइक आरबीआई की गाइडलाइंस बैंकिंग को लेकर हैं कि 50% हिस्सेदारी किसी एक की हो ही नहीं सकती, तो वो एक अलग सिनेरियो है। अदरवाइज 50% के आसपास हिस्सेदारी होती तो अच्छा लगता। अब इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है किसकी, एक बार हम सीधे शेयर होल्डिंग पर ही सबसे पहले पहुंच जाते हैं तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां वापस से प्रॉब्लम आती है। सी, जहां पर जीरो शेयर होल्डिंग होती है ना प्रमोटर्स की, जहां यहां पर है जैसे एचडीएफसी लिमिटेड के केस में भी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग जीरो दिखाता है, लेकिन वहां पर 70% हिस्सेदारी एफआईआईज की दिखाता है, और जब एफआईआईज की 70% हिस्सेदारी होती है तो वहां पर एक प्रोफेशनलिज्म होता है, और यहां पर एफआईआई की जो हिस्सेदारी है ना वो सिर्फ 18% है, बाकी डीआईआई के पास 36% हिस्सेदारी है। अब डीआईआई में है कौन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है 15% एलआईसी की, और फिर उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी सरकारी हो गया, और एसबीआई, मैग्नम एक्विटी, ये सब चीज़ें, ये है हमारा एसबीआई एक्विटी मिनिमम वेरियंस फंड, ये भी सरकारी हो गया, तो यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये भी सरकारी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनीज वगैरह। गवर्नमेंट की डायरेक्ट हिस्सेदारी सिर्फ 0.50 है, और पब्लिक में अगर बात करें तो एलएनटी एम्प्लॉयज ट्रस्ट, ये इसका एक बड़ा बेसिकली शेयर होल्डर है, इनकी अच्छी खासी इसमें हिस्सेदारी है, तो या तो LIC की इसमें अच्छी बड़ी हिस्सेदारी है या फिर LNT एम्प्लॉयज ट्रस्ट की हिस्सेदारी है, तो इसका मालिक एज सच कोई और नहीं है कि जो MD वगैरह कुछ लोग बैठे हुए हैं एम्प्लॉयज में, मतलब उन्हीं के हाथों में है। कोई प्रोफेशनलिज्म मुझे एज सच नज़र नहीं आता कि इस कंपनी की एक बड़ी हिस्सेदारी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हो। अब बात आती है कि इतने सारे DIIs के पास इसकी 36% हिस्सेदारी है, देखो 36% में से 15% तो हम सीधा सीधा LIC को निकाल देते हैं, बचे म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स की इसमें 20% हिस्सेदारी हो गई। अब जो 20% हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की इसमें है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जब हम निफ्टी फंड में जब पैसा लगाते हैं ना, निफ्टी 50 फंड में या फिर निफ्टी 50 जो ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो निफ्टी के जो जो कंपनीज निफ्टी में आती हैं उनमें सेम रेशो में पैसा लगाना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक तरीके से इनकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से मजबूरी में इन्वेस्टमेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे निपोन का निफ्टी 50 ETF है जिसको हम निफ्टी 20 भी कहते हैं, तो अगर मैं निफ्टी 20 परचेज करता हूँ 1 लाख की, तो जितना भी रेशो निफ्टी का LNT का निफ्टी में है एज ए कंपोजिट, तो फिर उतना ही पैसा उसमें ऑटोमेटिकली उनको लगाना पड़ेगा, इसमें उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना DIIs की अदर देन LIC, ये मजबूरी का मजबूरी वाली है इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग किसी स्ट्रॉन्ग हैंड में बोर्ड में नज़र नहीं आती। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब सरकारी प्रोजेक्ट और सरकार के हाथ में ही इनकी बागडोर, अब इसका इम्पैक्ट एक और क्या आता है, इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं अब सीधा बैलेंस शीट पर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम देखें तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो पिछले 11 साल में 40,000 करोड़ से बढ़ के 1,45,000 करोड़ हुई है, तो ये तो चीज़ समझ में आती है कि इनकी सेल्स हमारी ग्रो की है। अब बात करते हैं दूसरा कि नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया है, 3790 करोड़ से बढ़ के 9500 करोड़ तक हो गया है मार्च 2020 में, तो ये भी हमारा लगभग 3 गुना हो गया है। तो विवेक, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है, अब नीचे आ जाते हैं बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट में यहाँ पर जो बोरोइंग है वो 20,000 करोड़ से बढ़ के 1,24,000 करोड़ हो गई है। प्रॉब्लम हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है कि जब 1,24,000 करोड़ की बोरोइंग होती है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 1,27,000 करोड़ है और 1,24,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट में लोन है। चलो इस बात को भी मैं एक बार इग्नोर कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है कैश फ्लो से। कैश फ्लो देखो, मैं एक चीज़ हमेशा से कहता हूँ कि जब नेट प्रॉफिट हमारा जितना आ रहा होता है ना, वो हमारे बुक्स में एज ए कैश भी आना चाहिए। अब वो कैश में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नज़र आता है। अगर हम इस पिछले 11 साल का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का टोटल करें तो ये हमारा प्लस में होना चाहिए। नेट प्रॉफिट से कम नेट प्रॉफिट जितना तो जरूर होना चाहिए, वैसे उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट होता है वो कैश फ्लो में, नेट प्रॉफिट में वो काउंट नहीं होता, लेकिन कैश फ्लो उतना हमारा आना होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस कोई आउटफ्लो नहीं होता है एक्सपेंस का, वो हमारी बुक्स में ही रहता है उतना कैश। तो ये जो हमारा टोटल है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा माइनस में 22,000 करोड़ है। यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो प्लस में तो होने के बदले उल्टा कंपनी ने 22,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो कर दिया। तो भाई पैसा आया कहाँ? जो ये हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि हमने इतना सारा पैसा पिछले 11-12 सालों में कमाया है, जिसका टोटल बैठता है 77,840 करोड़। अब ये टोटल प्रॉफिट 77,840 करोड़ है, तो ये सारा पैसा हमारा यहाँ आना चाहिए था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, आने के बदले ये पैसा चला गया। यानी कि मोटा मोटा 77,000 करोड़ एंड 23,000 करोड़, मोटा मोटा आप देखो 1,00,000 करोड़, यानी कि प्रॉफिट तो किया लेकिन वो आया नहीं। वो कहाँ पर है हम, मुझे समझ से बाहर है। वैसे मेरी समझ से बाहर नहीं है, साफ साफ है। ये 20,000 करोड़ की जो बोरोइंग थी ना 11 साल पहले, अभी 1,24,000 करोड़ है, वो यही है। यानी कि कमाने के नाम पर दिखा तो रहे हैं बुक्स में, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है। अब आ क्यों नहीं रहा है, वापस से हम इसी बात पे चले जाते हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट हैं और इसके जो मालिक है ना, वो मोटा मोटा आप समझ लो सरकारी ही हैं, गवर्नमेंट के हाथ में ही हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज का पिछले 10 साल में क्या हाल है, आप किसी भी कंपनी को उठाकर देख लो, चाहे वो कोल इंडिया है, चाहे ONGC है, चाहे वो IOC है, चाहे कोई सी भी सरकारी कंपनी है, पिछले 10 साल में सारी सरकारी कंपनियों की हालत ऐसी हो गई है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है। मतलब ये एक शर्मनाक बात है कि सारी ही जिस कंपनी, जिस जिस सेगमेंट में सरकारी कंपनी डील करती है ना, उसमें सरकारी कंपनीज के हाथ से मार्केट शेयर निकले जा रहा है और प्राइवेट कंपनीज की तरफ जाया जा रहा है, और किसी भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है इस चीज़ पे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टेक्निकल की बात करना, वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में इतनी कमियाँ बता चुका हूँ, बिजनेस को लेके इतनी सारी कमियाँ बता चुका हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर कमियाँ बता चुका हूँ, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ बैलेंस शीट में भी, या चार्ट में भी नज़र आता है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ, देखो आज की डेट में ये शेयर ट्रेड करता है 909 रुपये का, और अगर हम वापस से चले जाएँ कि 909 रुपये का एक कब भी मिल जाता था, देखो अक्टूबर 2007 में भी ये सेम प्राइस पर डील करता था, ट्रेड करता था अक्टूबर 2007, नवंबर 2007 में। यानी कि पिछले 13 साल से ये कंपनी का शेयर प्राइस वहीं ऊपर नीचे गोते खाता रहता है। तो जो लोग कहते हैं ना यार इतनी बड़ी कंपनी को विवेक अपने लिस्ट में क्यों इंक्लूड नहीं करते, सो दीज आर द मैनी रीजन्स। अब इतने सारे रीजन्स होने के बाद भी मतलब ऐसा क्या हो जाए कि इसी कंपनी को परचेज करना है या इसी में डील करना है, किसी अच्छी कंपनी में डील कर लो यार, पैसे लगाने हैं तो किसी अच्छी कंपनी में लगा लो, HDFC बैंक में लगा लो, HDFC लिमिटेड में लगा लो, बाकी किसी भी बड़ी कंपनी में लगा लो, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर, और कुछ समझ नहीं आता तो जिस कंपनी की साबुन से डेली नहाते हो ना उसी कंपनी की साबुन वाला लगा लो, जिस कोलगेट को ब्रश करते हो ना डेली उस कोलगेट की कंपनी में लगा लो यार, मतलब पैसे बन जाएंगे। यहां से तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे मैं एक और चीज कहता हूं कि जो ग्रेट कंपनीज होती हैं वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आती हैं और साथ के साथ ही ऊपर चली जाती हैं, तो उसके नीचे आके परचेज करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन L&T की अगर चार्ट की बात करें तो मैंने 200 मूविंग एवरेज का यहां पर लगा लिया, ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली 200 मूविंग एवरेज की। ये कंपनी ऊपर कम रहती है 200 मूविंग एवरेज से और नीचे ही ज्यादा रहती है।
तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं इसको खरीदूं या इसको खरीदने के लिए अपने दोस्तों को या अपने स्टूडेंट्स को या व्यूअर्स को कभी भी राय दूं। मैं तो ये कहूँगा ऐसी कंपनी से दूर ही रहो तो अच्छा है। ये सरकारी कंपनी है, सरकारी हिसाब किताब है, तो आप समझ लो चार्ट पे भी नज़र आ रहा है, टेक्निकल पे, बैलेंस शीट में भी नज़र आ रहा है और आपको रीजंस भी बता दिए इसके लिए। तो मेरी तो इस कंपनी के लिए बिग नो है। जहाँ तक बात आती है कि माइंडट्री की, एलटीआई की और एलटीटीएस की या एलएनटी फाइनेंस की, तो भैया उन कंपनी में डायरेक्ट पैसे लगा लो ना यार। एलएनटी में इस तरह से इनडायरेक्टली लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। उन कंपनीज के बिजनेस अलग है, अलग से उन कंपनीज को रिव्यू करके अलग अलग उनकी एक बार हम एनालिसिस कर लेंगे और देख लेंगे कि उन कंपनीज में कितना दम है। लेकिन जहाँ तक एलएनटी की बात है तो मेरी बिग नो है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लेना और लाइक भी कर लेना यार। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक.com। थैंक यू सो मच। हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।